بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل ایجوکیشن فار آل. میری یوٹیوب چینل ایجوکیشن فار آل میں آپ تمام لوگوں کا استقبال ہے. ٹوڈے وی آر گوئنگ ٹو لرن انڈائریکٹ اسپیچ اور رپورٹڈ اسپیچ آف امپیریٹیوز. رپورٹڈ اسپیچ از این امپورٹنٹ پارٹ آف گرامر وچ ورنیکولر اسٹوڈنٹ فائنڈ ڈیفیکلٹ ٹو انڈرسٹینڈ. امپیریٹیو سینٹنسز آر سمپلی ایکسپلین وتھ ایمپل ایگزامپلس. सो दिस इज़ द नंबर फोर वीडियो. इसके पहले हम तीन वीडियो आपके खदमत में पेश कर चुके हैं. इंशाल्लाह ताला उनके लिंक भी यहाँ शेयर करेंगे. और अगर आप इसके पहले वीडियो से देखें तो आपको ये समझना बहुत आसान हो जाएगा. ये मैं हूँ अमीन महमतुल्ला आपका मुअल्लिम. आपसे गुजारिश है कि इस वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट की शक्ल में हमें फीडबैक दीजिए. इस चैनल एजुकेशन फॉर ऑल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये वीडियो पहुँचे, सबका फ़ायदा हो. तो अपने रिवीजन से स्टार्ट करते हैं. टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस हमने आपको बताए थे कि इनडायरेक्ट स्पीच में चार किस्म के जुमले हम आप आपको दिए जाते हैं डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच करने के लिए. जब हम दो जुमलों को मिलाते हैं तो हम कंजंक्शन का इस्तेमाल करते हैं. तो टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस और कंजंक्शन देख लीजिए. स्टेटमेंट के लिए हम लोग दैट इस्तेमाल करते हैं. क्वेश्चन एंड इंटरोगेटिव सेंटेंस के लिए अगर वर्बल हो तो हम इफ इस्तेमाल करते हैं और अगर डब्ल्यू एच टाइप क्वेश्चन हो तो कोई कंजंक्शन इस्तेमाल नहीं करते, वैसे ही जोड़ देते हैं. और इम्परेटिव जो अभी हम सीखने वाले हैं उसके लिए हम टू का इस्तेमाल करते हैं और एक्सक्लेमेटरी को हम सादे जुमले में बदल कर डैट से जोड़ते हैं. तो इस मालूम को आप जहनशीन कर लीजिए. ज़रूरी मालूम का आप स्क्रीन शॉट उतार कर बार बार देख सकते हैं ताकि आपको याद हो जाए. अब इम्परेटिव सेंटेंसेस देखिए. इम्परेटिव सेंटेंसेस जो हुक्मिया जुमले जिनको कह सकते हैं मुर्दों में, तो इनडायरेक्ट स्पीच में जब हम चेंज करते हैं तो इनके मेजर तीन किस्में इंपॉर्टेंट है. एक तो है ऑर्डर्स, अहकाम, इंस्ट्रक्शन, हिदायत, और रिक्वेस्ट यानी दरख्वास्त हैं. तो ऑर्डर या अहकाम के लिए रिपोर्टिंग वर्क पे तौर पर हम लोग ऑर्डर इस्तेमाल करते हैं और इंस्ट्रक्शंस के लिए हम आमतौर पर जो है इंस्ट्रक्टेड इस्तेमाल करते हैं और दरख्वास्त के लिए हम जो है रिक्वेस्टेड इस्तेमाल करते हैं और रिपोर्टेड क्लॉज के प्लीज को हटा देते हैं और पोलाइटली सेड भी इस्तेमाल करते हैं. तो अब देखिए कुछ और लफ्ज हम देख लेते हैं. ये जो रिपोर्टिंग वर्ब्स हैं जो इस्तेमाल हो सकते हैं ये है वॉर्न्ड, फॉरबिड, सजेस्टेड, डायरेक्टेड, एडवाइज, टोल्ड वगैरह वगैरह. आस्क्ड भी आ सकता है. आस्क्ड वॉन जब किसी को तंबीह की जाए उसके लिए, फॉरवर्ड कोई मना किया जाए और सजेस्टेड मशवरा दिया जाए, डायरेक्टेड कोई काम करने के लिए ऑफिसर वगैरह कहे, एडवाइस मशवरा दिया जाए, टोल्ड यानी कहा जाए करने के लिए. इनडायरेक्ट स्पीच में जुमले बदलते वक्त वावेन को हटाकर इम्परेटिव को इन्फिनिटिव में बदलते हैं. जो वर्ब होता है उसके टू लगाते हैं इम्परेटिव, वो इन्फिनिटिव हो जाता है और हमारा काम हो जाता है. अब देखिए जुमला लेट से शुरू हो और लेट का इस्तेमाल मशवरे के लिए हो तो रिपोर्टिंग वर्ब के तौर पर सजेस्ट इस्तेमाल किया जाएगा और लेट को हटाकर वी शुड इस्तेमाल किया जाएगा. इस बात को ध्यान में रखिए आप. और अगर जुमला डोंट से शुरू हो तो डोंट को हटाकर हम लोग नॉट टू का इस्तेमाल करेंगे. अच्छा, अगर लेट जो है वर्ब के तौर पर इस्तेमाल हुआ है तो हम टू लेट लगाकर, टू लगाकर उसको जो है इस्तेमाल करेंगे. मिसालों में आपको आसानी से समझ में आ जाएगा. तो अब देखिए एग्जांपल्स देखते हैं हम. गेट आउट ऑफ द कार, सेड द पुलिसमैन. अब पुलिसमैन ने कहा है तो ऑर्डर होगा, तो द पुलिसमैन ऑर्डर्ड हिम टू गेट आउट ऑफ द कार, है ना. अब सिर्फ इतना भी लिखते द पुलिसमैन ऑर्डर्ड टू गेट आउट ऑफ द कार तो भी सही था, हमने हिम बढ़ा दिया उसमें. किसी आदमी से कहा होगा, किसी लेडी से भी कहा होगा, अगर लेडी हो तो हर आएगा. द मैन विद द गन सेड टू अस डोंट मूव. अब देखिए ये जो आदमी ने बंदूक ली, इसने हमको तंबी किए, वार्निंग दिए, तो द मैन विद द गन वॉर्न्ड अस नॉट टू मूव. डोंट की जगह नॉट टू कर दिया. द कैप्टन सेड टू द सोल्जर्स शूट द एनिमी. अब यहाँ पर कैप्टन ने सोल्जर से कहा तो ऑर्डर है, द कैप्टन ऑर्डर द सोल्जर्स टू शूट द एनिमी, टू लगा दिया, बाकी पूरा जुमला वैसे के वैसे. शी सेड टू मी व्हाई डोंट यू गेट अ मैकेनिक टू लुक एट द कार. अब एक नज़र में हमको डब्ल्यू एच टाइप क्वेश्चन दिखता है और ये है भी डब्ल्यू एच टाइप क्वेश्चन, लेकिन ये एक तरह की रिक्वेस्ट है. व्हाई डोंट से अक्सर जो जुमले शुरू होते हैं वो
आम तौर पर दरख्वास्त के तौर पर, यानी तुम एक मैकेनिक क्यों नहीं लेके आते, तो इसका मतलब है कि तुम एक आप एक मैकेनिक लेके आइए, जिससे हम किसी मेहमान से कहें कि वाई डोंट यू सिट ऑन दैट चेयर, तो चेयर खाली पड़ी है, तो इसका मतलब ये है कि आप बराए मेहरबानी उस कुर्सी पर बैठ जाइए। तो ये एक तरह की रिक्वेस्ट होती है, तो ये रिक्वेस्ट होती है, मशवरा होता है। शी सजेस्टेड दैट आई शुड गेट द मैकेनिक टू लुक एट द कार। तो इस तरह से हमने जो है इसको एक तरह से हमने जो है पहले सादे जुमले में चेंज कर दिया, और फिर सादे जुमले में चेंज करके हमने इसको दैट से जोड़ा है। तो ये थोड़ी सी अलग केस है, इसको जहन में रखिए, और ये बड़ी प्यारी मिसाल है, आपके लिए बहुत कारामद है। द फादर सेड टू द सन, पुट दैट बुक बैक ऑन द शेल्फ व्हेन यू हैव रेड इट। अब देखिए सीधी सी बात है, ये कुछ करने के लिए कहा है, तो आस्ट से मान के द फादर आस्ट द सन टू पुट दैट बैक बुक बैक ऑन द शेल्फ व्हेन ही हैड रेड इट। यू का हमने ही कर दिया। अब देखिए अगला अगली मिसाल, द डॉक्टर सेड द पेशेंट डू नॉट कंज्यूम टू मच शुगर। अब डॉक्टर ने पेशेंट को मशवरा दिया, तो डॉक्टर एडवाइज द पेशेंट नॉट टू, डू नॉट की जगह नॉट टू कंज्यूम टू मच शुगर। अगली मिसाल, अकबर सेड टू मी लेंड मी योर पेन प्लीज। अब ये रिक्वेस्ट है ना, तो अकबर रिक्वेस्टेड मी टू लेंड हिम माई पेन। देखिए मी अकबर के लिए तो हिम हो गया, और योर जो है मेरे लिए तो माय हो गया। अब द टीचर सेड टू द बॉयज वर्क हार्ड। अब टीचर ने जब बच्चों से कहा कि सख्त मेहनत कीजिए, तो ये एडवाइस है, द टीचर एडवाइस द बॉयज टू वर्क हार्ड। आई सेड टू हिम ओबे योर पेरेंट्स, तो हमने मशवरा ही दिया है। आई एडवाइज हिम टू ऑबे हिज पेरेंट्स, जो आर का हिज हो जाएगा। द मैनेजर सेड टू हिज पीए लेट द बॉयज कम इन। अब देखिए यहाँ लेट जो है वर्ब के तौर पर इस्तेमाल हुआ है, आने दो, इजाजत दो, है ना। तो यहाँ पर जो है द मैनेजर ऑर्डर द पीए टू लेट द बॉयज कम इन, टू लगा दिया, काम हो गया। ही सेड लेट्स टेक हिम टू द डॉक्टर। अब देखिए अब ये जो है मशवरा है, लेट अस टेक, है ना, क्या चलिए हम इसको डॉक्टर के पास ले जाएं। तो ही सजेस्टेड दैट दे शुड टेक हिम टू द डॉक्टर, या वी शुड भी हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं, दे की जगह हम लोग वी भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब नेक्स्ट देखिए, दे सेड टू अस लेट्स गो फॉर अ वॉक, तो दे सजेस्टेड या प्रपोज दैट वी शुड गो फॉर अ वॉक। शी सेड लेट द चाइल्ड गो होम। अब यहाँ पर जो है उसने बच्चे को घर जाने के लिए कहा, मतलब उसने कहा कि बच्चे को घर जाने दिया जाए, तो एक तरह से मशवरा है, और इजाजत दी उसने कि लेट द चाइल्ड गो होम, तो शी परमिटेड द चाइल्ड टू गो टू होम। तो अब देखिए ये जो है ना गो की जगह उसके आगे हमने जो यहाँ पर इन्फिनिट लगाया है, शी परमिटेड द चाइल्ड टू गो होम, इसको आप थोड़ा सा ध्यान ध्यान से देखेंगे तो आपकी समझ में सारी बात हो आ जाए कि कोई मुश्किल इसमें नहीं है। उम्मीद है कि सारी मिसालें आपके लिए बहुत कारामत होगी, आप बहुत ज़्यादा इससे सीखेंगे। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, और इसकी अब आखिरी कड़ी बाकी है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस की, तो हम बहुत ही जल्द आपकी खिदमत में उसके साथ में हाजिर होंगे। तब तक के लिए आपसे हम इजाज़त चाहते हैं। आखिर में हम यही कहना चाहते हैं कि आप वीडियो को देखते रहिए, सीखते रहिए, शेयर करते रहिए, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को तक पहुँचाइए, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन को दबाइए। सो अल्लाह हाफिज़, अंटिल नेक्स्ट टाइम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू।